जी कैसे हो आप लोग। रात के बजे थी 9 और हम आए अपनी नई तलाश में, नए शिकार की तरफ। लोगों की बड़ी फरमाइश थी कि यार कुछ वेज में कुछ नॉन वेज का टेस्ट लेके आओ, पानी कुछ ऐसा जायका लाओ कि हमें यार नॉन वेज नहीं खाते तो वेज में कुछ हो जाए। तो बड़ी जांच पड़ताल करी, खोजबीन करी, तो हमें पता पड़ा कि भैया रॉयल स्पाइस, काफ़ी लोग जानते होंगे वैशाली में जो पेट्रोल पंप है उसकी। और मैं आपको बता दूं भैया, रॉयल स्पाइस जो हम आज यहाँ आए, ये वेज के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन जगह है और बड़ी हैपनिंग जगह है। यहाँ पे आप आइए, आपको कुछ अलग टेस्ट जायका खाने को मिलेगा। रेगुलर से कुछ हटके ये दे रहे हैं, जैसे कीमा कलेजी दे रहे हैं वेज के अंदर, कुकर दे रहे हैं वेज के अंदर, आपको मटन रोगज जोश देंगे वेज के अंदर, आपको नॉन वेज बिरयानी जो दम बिरयानी है वो वेज के अंदर देंगे। काफ़ी सारे आइटम हैं इनके पास, लेकिन आज हम स्पेशल दम कुकड़ खाने आए हैं इनका, भैया भुना कुकड़ सॉरी, तो आप भुना चिकन भी मान लो आप उसको। तो भैया को हमने ऑर्डर दे दिया है। रुको जरा, सबर करो साहब, फाइनली हमारा खाना आ गया, भुना कुकड़। ये देखो आप, भुना कुकड़ और साथ में हमने लच्छा पराठा और तंदूरी रोटी मंगाई है। ये इनकी चटनी है और भैया को हमने बोला भैया नींबू लाओ, फिर हम इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं भैया क्या चीज़ है। तो हमने ले लिया हमारी क्वांटिटी लच्छा पराठे के साथ, इसको ट्राई करते हैं क्योंकि भैया ने बोला इसको लच्छा पराठे के साथ आप खाना। ये भैया सोया चाप के पीस है, देखो आप कितने सॉफ्ट पीस है और ऊपर इन्होंने ग्रेवी किसकी दी है अभी अपन देखते हैं। भैया दम है, चीज में दम है भैया, मुझे नहीं पता है कितने का है, अभी बिल नहीं आया, हमने तो खाली बोला, लेकिन चीज में दम है भैया। क्या टेस्ट है यार, अभी हम इसकी ग्रेवी बिना रोटी के चेक करते हैं, देखो आप दम है भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। यानी एक बार ना भाई बनता है, वेज वालों आगे टूट पड़ो यहां पर। अल्टीमेट यार, बहुत बेहतरीन। एक बार इसको हरी चटनी के साथ भी, हरी चटनी भी देख लो आप, हम हमेशा हरी चटनी जरूर देखते हैं कहीं भी जाते हैं। जबरदस्त, 10 out of 10 मैं इसे देता हूँ यार, बहुत ही बेहतरीन यार। और इनका लच्छा पराठा देखो यार, यानी लच्छा पराठा भी देखो, लेयर्स देख लो आप यार, मजा आ गया, पैसा वसूल भाई, पैसा वसूल। मेरे पास शब्द नहीं भैया, इतना बढ़िया बनाया भैया ने, मजा आ गया। भैया भी आ गए, भैया इधर आओ जरा, ये आप मुझे पता तो पड़ेगा कि सोया चाप है ठीक है, लेकिन जो इसकी ग्रेवी है ना वो आपने नॉनवेज की इतनी अच्छी कैसे बिठाई यार, ये बताओ मुझे। सर ये आइटम सर नॉनवेज का आइटम नहीं है, बट ऐसा लगेगा आप नॉनवेज खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो लग गया यार, बेहतरीन भाई, बेहतरीन। भैया जो वेज वाले हैं नॉन वेज की इच्छा रखते हैं लेकिन खा नहीं सकते, वो आ जाओ इसको ट्राई कर लो, आपको नहीं मजा आया ना वीडियो में कमेंट में जाके बोल देना पाजी नहीं मजा आया, पैसे मैं दूंगा आपको रिटर्न, इतनी गजब की चीज है, मजा आ गया। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात भैया मेरी प्लेट से अंदाजा लगाओ, पूरी साफ करिए, अमूमन मैं ऐसा करता नहीं हूँ, कुछ ना कुछ छोड़ देता हूँ, ये अभी भी इसमें एक पीस पड़ा, हमारे रवि सर खा रहे हैं। और आपको बता दूं आज रवि सर का बर्थडे है 9 जुलाई को, और पीछे हमने देखिए हैप्पी बर्थडे का भी लगवा दिया इनके लिए। तो सर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सोने भी सुहागा हो गया, मतलब हम जहाँ पे बैठे हैं वाइब्स बहुत अच्छी है, टेस्ट हमने सोचा नहीं था इतना ज्यादा बढ़िया होगा, लग नहीं रहा कि वेज खा रहे हैं, जिसने भी रेकमेंडेशन किया थैंक यू सो मच, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हाँ जी, तो बात आती है मुद्दे की, पैसा, क्योंकि सब कहते हैं भैया पैसा कितना लगा, तो भैया जो आपका वेज कुकड़ था भुना कुकड़ वो था 295 का, लच्छा पराठा 50 का और तंदूरी रोटी 250 की, टोटल हमारा बिल आया 415 रुपये, ठीक है सर। और भैया ने हमें डिस्काउंट भी कर दिया,
और उन्होंने ये भी बोला कि कभी आप बड़ी पार्टी करोगे और यहाँ आके कोई भी पार्टी करेगा तो उसको डिस्काउंट अच्छा देंगे। तो एक बार भैया जाके खा लो, फिर मुझसे बात करना है कि चीज़ कैसी लगी। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, रब रखा।